खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की बड़ी खबर, दुनिया का सबसे खतरनाक खूंखार आतंकी बगदादी मारा गया। अब उसके मारे जाने की जो पूरी कहानी है वो धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने आ रही है। जी हाँ, अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने सीरिया के इदलिब में आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी को मार गिराया है। हमने आपको बगदादी के खिलाफ किए गए ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। अब आपको उस चश्मदीद का बयान भी सुनाते हैं जिसने अपनी आंखों से आतंक के आका का अंत देखा है। जो ट्रंप ने नहीं बताया वो चश्मदीद ने बताया है। और जानकारी ये है कि अमेरिकी फोर्स 2 हेलीकॉप्टर साथ लाई थी और आते ही गोलीबारी शुरू हो गई और फिर खबर आई कि बगदादी का अंत हो गया है। 2 किलोमीटर चक्कर लगाने के बाद यह हमला किया, ताबड़तोड़ बमबारी की गई और उसके बाद खबर आई कि आतंक का आका बगदादी मारा गया है। فجأة أنا بفتح باب بيت طلع هيك بلاقي طيارة بوجهي ما بتعلو ارتفاع 15 متر على الأرض وراها طيارة تانية يعني الطيارة هي نوع أباتشي هليكوبتر الله أعلم بس مصدر الطيارة ما عرفنا عرفت علي तो आप उस चश्मदीद को सुन रहे थे जिसने खुद देखा कि आखिर किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। उसने कहा कि अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर थे जो 15 मीटर से ज्यादा ऊपर नहीं थे और उसने आते ही बमबारी करनी शुरू कर दी, यानी कि बगदादी को मौका तक नहीं मिला कि वो अपने आप को बचा पाए। और कहा ये भी जा रहा था कि बगदादी ने अपने आप को उड़ा दिया। एक बार फिर से सुनिए चश्मदीद की जबानी। فجأة أنا بفتح باب بيت طلع هيك بلاقي طيارة بوجهي ما بتعلو ارتفاع 15 متر على الأرض وراها طيارة تانية يعني الطيارة هي نوع أباتشي هليكوبتر الله أعلم بس مصدر الطيارة ما عرفنا عرفت